और नहीं होगा, बहुत थक गया हूँ। अरे क्या बात है हरिया, क्या हुआ? अब क्या बताऊँ मदन, पिछले हफ्ते से बहुत बुखार है मुझे और बहुत खांसी खांसी भी आ रही है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे बीमार हालत में क्या कोई खेतों में कुदाल चलाता है? मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है, घर पे तीन तीन पहाड़ जैसे बेटे हैं, पर सब बेकार है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। घर हरिया, अभी तुम घर जाओ, कुछ दिनों तक आराम करो, उसके बाद जब स्वस्थ हो जाना तब खेतों में आकर काम कर लेना। हाँ। अरे लेकिन घर जाने से कैसे चलेगा, मुझे काम खत्म करना ही पड़ेगा, कुछ दिनों में ही बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए जो करना है इन दो चार दिनों में ही करना पड़ेगा मदन, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। माँ, ओ माँ, माँ क्या हो गया, सुबह सुबह बकरी की तरह चिल्ला क्यों रहा है तू? क्या कहा माँ, मैं बकरी हूँ। और क्या कहूँ, तू जैसे बेकार लड़के को सिर्फ बकरी ही कहा है, किस्मत अच्छी समझ अपनी। सवेरे सवेरे इतनी बातें मत सुनाओ हाँ, और जरा 50 रुपए लेके आओ, आज जरा शहर जाऊँगा। अरे याशों के सरदार, तेरा बाप एक मामूली किसान है, कोई राजा महाराजा नहीं जो सुबह सुबह इतने पैसे मांग रहा है। 5 रुपए की कमाई नहीं होती और 50 रुपए मांग रहा है। इसका मतलब तुम रुपए नहीं दोगी? मेरे पास होंगे तब दूंगी ना, जा खेत में जा, तेरे बाबा अकेले मेहनत कर रहे हैं, तुम सब जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो। खेतों में काम करने जैसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, और ऐसे तो माँ हमें कोई पैसा नहीं देने वाली है, घर में पैसे कहाँ रखे हैं, हम ही चलकर ढूंढ लेते हैं। तुम दोनों कमरे के दोनों तरफ ढूंढो और मैं बिस्तर के नीचे देखता हूँ, पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। अरे दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो, देखो तो इन लड़कों को, ओहो हो, सारा सामान बिखरा के रख दिया, काम बढ़ा दिया मेरा। अरे वाह, मिल गया मुझे। क्या मिला, दिखा तो जरा। ये देखो, पैसों से भरा हुआ गुल्लक। नहीं नहीं रुक जाओ, बिल्कुल नहीं, गुल्लक तोड़ना मत, ठीक है ना रामू शामू मोहन, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। अरे कितने सारे पैसे हैं, चलो चलो तीनों मिलकर आपस में बांट लेते हैं। गुल्लक का 1 रुपया भी मत लेना, मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी, वो तुम्हें। हाय हाय हाय, सारे पैसे ले गए, अब मैं क्या करूं, हमारी मेहनत की कमाई ले गए। अरे वाह, कितना बड़ा सलून है। क्या बात है भाई, क्या देख रहे हो आंखें फाड़ के? अरे आपका सलून देख रहा हूँ भाई साहब, अरे एकदम रापचे। क्या कटवाना है भाई, बाल या दाढ़ी? अच्छे से काट दूंगा, एकदम चकाचक। अरे वाह वाह, यही तो चाहिए, जरा अच्छे से मेरे सर के बाल काट दीजिए तो भाई, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह। बताइए किस स्टाइल में काटूं, एकदम चकाचक। मार्केट में एक नई स्टाइल आई है, पहाड़ के नीचे घास स्टाइल, उसी स्टाइल में काट दूं क्या, चकाचक? वो कैसा है भाई साहब? सिर के बीच वाले बाल को बड़े रखकर दोनों किनारे के बाल को छोटे छोटे काट दूंगा, चकाचक। आप सिर्फ आराम से कुर्सी में बैठिए और उसके बाद मेरे हाथों का कमाल देखिए, चकाचक। अरे भाई जरा एक अच्छी सी ड्रेस दिखाना तो। अच्छा ठीक है, किस तरह के कपड़े दिखाऊं जनाब? एकदम चटक लाल शर्ट दिखा दो और नीले रंग की पैंट दिखा दो। ये लीजिए आपका लाल शर्ट और नीला पैंट, ठीक है, पहनने के बाद आपको बहुत स्मार्ट लगेंगे भाई। हाँ वो तो लगूंगा ही, बिल्कुल लगूंगा। एक बात याद रखना, मेरा नाम श्यामू है और मैं बचपन से ही स्मार्ट पैदा हुआ हूँ। अच्छा क्या मैं ये ड्रेस पहनकर देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं भाई, अब वो रहा ट्रायल रूम, जाकर पहनकर देख लीजिए। तो कैसा लग रहा हूँ मैं है? पूरा एक लाल बंदर लग रहे हो। अरे भाई क्या लग रहे हैं आप, जैसे कोई फिल्मों के हीरो हो। ओहो तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
क्या जी, आप इतनी देर से क्यों आए? थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? इस बीमार शरीर से 4 बीघा खेत के इतनी जल्दी खोद पाऊंगा? तुम ही बोलो, लड़के कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे वो लोग, कहाँ है वो लोग? आप क्या बताऊँ, सवेरे ही तीनों कहीं चले गए और अभी तक लौटे नहीं हैं। और गुल्लक में जो पैसे हमने जमा किए थे ना, वो सारे के सारे ले गए। क्या कहा? गुल्लक के सारे सारे पैसे लेके चले गए। क्या किया, क्या किया उन्होंने? आज आने दो उन्हें, आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा, आने दो। देखिए आ गया हमारा एक लाल। माँ, माँ, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। क्या कहा, बाहर से खा के आया है? बाहर से खा के आया क्या मतलब? अरे पिताजी, शहर गया था, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें बिक रही थी तो खा ली, फ्राइड राइस, चिकन कबाब। तुम्हारी इतनी हिम्मत, गुल्लक के पैसों को तुमने ऐसे ही उड़ा दिया? बोल। माँ से 50 रुपए मांगे थे पर माँ ने दिया ही नहीं, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था, तो क्या करता? वो देखिए, अपने बेटों की नवाबी देखिए, घोड़ा गाड़ी की सवारी कर आ रहे हैं। क्या रे, क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया पैसों का? घर के सारे पैसे बर्बाद करके नवाबों की तरह ऐश कर रहे हो? तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती क्या? देखिए पिताजी, अब हम बड़े हो गए, जो हमारा मन करेगा अब हम वही करेंगे, और मैं तो जा रहा हूँ हिंदी फिल्मों का हीरो बनने। अभी तो सिर्फ घोड़ा गाड़ी में घूम रहा हूँ, इसके बाद मोटर कार में घूमेंगे। ऊपर वाले, मेरे इन नालायक लड़कों को सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें कोई रास्ता दिखाइए ऊपर वाले। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं खेत में जा रहा हूँ, ऐसे पीछे से आवाज क्यों दे रही हो? पर देखिए बादल गरज रहे हैं। वो तो गरजेंगे ही, आसमान में बादल घिरा है, लगता है 2-3 दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी पूरा खेत जोतना बाकी है, क्या करूं अब, क्या करूं? अगर हमारे सारे बेटे लायक होते तो 2 दिन में ही पूरे खेत की जुताई हो जाती। हाँ, मुझे उपाय मिल गया, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। लड़के हीरो बनना चाहते हैं ना, तो अब उन्हें अभिनय द्वारा ही सही रास्ते पे लाना होगा। अरे सुनो, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ आपको? सुनो बेटो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, लगता है अब मेरी आयु ज्यादा नहीं बची है, इसलिए मरने से पहले तुम लोगों को राज की एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी राज की बात? तो सुनो, तुम लोगों की वजह से मैंने घर में कभी भी ज्यादा रुपए पैसे नहीं रखे, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम वो सारे रुपए पैसे बर्बाद कर देते, इसलिए मैंने अपने जीवन भर की कमाई और कुछ सोना जमीन के नीचे गाड़ दिए थे। सुना ना, जमीन के नीचे गाड़ दिए थे। कहाँ गाड़ रखे हैं पिताजी? मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ सब कुछ। भूमिका क्यों बना रहे, जल्दी बताइए ना। हमारे जो खेत है ना, उसी के नीचे है, उसके नीचे, लेकिन कहाँ रखा है ये याद नहीं आ रहा है। अरे फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी से चलकर पिताजी के गड़े धन को निकाल कर ले आते हैं। हाँ, और फिर उन पैसों से हम फिर से शहर में मौज मस्ती करेंगे, हीरो बनेंगे। ओह, इतनी बड़ी जमीन में पता नहीं पिताजी ने पैसे और सोना कहाँ दबा कर रखे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खड़े खड़े सोचने से तो अच्छा है, क्यों ना हम लोग सब मिलके पूरी जमीनी खोद डाले। चलो। अरे भाई ये क्या,
हमने तो पूरी जमीन खोद डाली पर रुपया सोना कुछ भी नहीं मिला है। चलो पिताजी को जाकर बताते हैं। पिताजी आपने हमसे ऐसे झूठ बोला, जमीन में कोई सोना नहीं है और कोई रुपया पैसा भी नहीं है। बाप रे। अरे नहीं नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। असल में मैं तुम लोगों को एक चीज देना तो भूल ही गया था। इसमें क्या है? इसमें मंत्र वाले धान के बीज हैं। तुम लोग जाओ और इस धान को पूरे खेत में छीट दो। खेत में जहाँ भी सोना और रुपए पैसे छिपे होंगे उसी जगह पे 4 महीनों के बाद धान के पौधे उगेंगे। अच्छा तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो चलो। अरे चलो 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 जल्दी घर चलो, बारिश शुरू हो गई है, जल्दी चलो। क्यों पिताजी, आपने तो कहा था कि 4 महीनों के बाद जहाँ जहाँ सोना छिपा है वहाँ वहाँ धान के पौधे होंगे। देखते देखते 4 महीने बीत गए पर यहाँ तो पूरी जमीन में ही धान के पौधे तैयार हो गए, पर सोना कहाँ है? अरे पागल, तुम लोगों ने सिर्फ धान के पौधे ही देखे, पौधों के ऊपर वो देखो सोने के जैसी फसलें उगाई है। मतलब सब पौधों पे देखो कैसे सोने जैसे धान उगे हैं। अब हम धान काट के सारे धान अलग अलग कर लेंगे तो हमें बहुत चावल मिलेगा। कुछ चावल हम अपने खेतों के लिए रख लेंगे और कुछ चावल बाजार में बेच के पैसे कमाएंगे। बेटा पैसे कमाएंगे पैसे। अच्छा तो आपने इसी वजह से हमसे सारी जमीनें खुदवाई थी। सही कहा, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते थे ना, इसलिए मैंने छल बल और कौशल से तुम लोगों से खेती करवाई है। समझ गए, नहीं तो तुम लोग इतने बड़े होकर भी अपनी इच्छा से कभी स्वावलंबी नहीं हो पाते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है पिताजी, आप हमें माफ कर दीजिए। सुनो, एक दिन मैं नहीं रहूंगा पर ये जमीन तो रहेगी ना, और अगर तुम लोग मिलजुल के इस जमीन पे खेती करोगे तो तुम्हें कभी भी किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ समझे? हाँ समझ गए पिताजी। तो फिर देर किस बात की, जाओ जाओ जल्दी से हसुआ ले आओ, हम बाप बेटे मिलके धान काटना शुरू करते हैं। जाओ जाओ जल्दी ले आओ। अब भी लेकर आता हूँ पिताजी।